मोस्ट वेलकम इन द सेशन टू डी बी सेल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमेंट फ्राइड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगमेंट फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो पर्सनलिटी सेक्शन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मैक्सिमम एग्जाम्स में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या साइको से रिलेटेड हैं वहाँ पर आपको इस थ्योरी से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मिलता है तो उस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सिगमेंट फ्राइड के साइको एनालिटिक थ्योरी में किस किस सेक्शन की बात की गई है किन किन फैक्ट्स की बात की गई है और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इड ईगो सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्सियस माइंड की चलिए बात करते हैं देखो जब हम बात करते हैं सिगमेंट फ्राइड के साइको एनालिटिक थ्योरी की तो सिगमेंट फ्राइड ने जो अपना थ्योरी दिया है इन्होंने डिटेल में पर्सनालिटी को डिस्कस किया है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कंट्रीब्यूशन होता है या कौन कौन से कंपोनेंट होते है, उनकी हैं उनकी हम बात करते हैं चलिए बढ़ते हैं हम आगे साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमेंट फ्राइड के द्वारा दी गई है जो कि इन्होंने अपने 40 ईयर के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस या चालीस साल के नैदानिक कार्यों के बाद में या नैदानिक अनुभव के बाद में नैदानिक अनुभव का मतलब सिगमेंट फ्राइड जो मेंटल इलनेस के पेशेंट होते थे मनोरोगी उनका ट्रीटमेंट करते थे और उनके बिहेवियर को जज करने के बाद में उनके बिहेवियर के रीज़न क्या हैं उनको जज करने के बाद में उन्होंने अपना अप्रोच दिया साइको एनालिटिक अप्रोच जिसको हम बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपागम तो सबसे ओल्डेस्ट है आपका और सबसे ज़्यादा इनडेप्थ और डिटेल में ये पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है उसके फैक्टर्स की बात करता है और किन किन का कॉम्बिनेशन है कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं और डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिगमंड किन जिनका जो आपका लाइफ स्पॉन पीरियड दिया गया है एटीन टू नाइनटीन सिगमेंट फ्राइड वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी आफ्टर 40 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसिस ए मेथड फॉर ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एंड आल्सो थ्योरी विच एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर सिगमेंट फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी के जनक हैं या प्रतिपादक हैं जिन्होंने अपने 40 साल के जिन्होंने अपने 40 साल के नैदानिक अनुभव जो हम बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस थ्योरी को क्या किया प्रोपाउंड किया या इसको जनरेट किया या इसके एक्सपोनेंट हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई तो वो दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा ठीक है जो कि कौन है फादर हैं आपकी साइको एनालिटिक अप्रोच की ठीक है अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर experiences and एंड अनकॉन्सियस influence ह्यूमन बिहेवियर चालीस साल के अपने नैदानिक कार्य के, के बाद में या क्लिनिकल एक्सपीरियंसिस के बाद में फ्राइड ने माना क्या जो मेंटल इलनेस है हमारा या मानसिक मनोरोगी होते हैं उन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने जाना कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के जो अनुभव होते हैं और इसके साथ साथ में अनकॉन्शियस डिज़ायर अनकॉन्शियस डिज़ायर कौन सी वो दमित इच्छाएँ जो किसी रीज़न से फुलफिल नहीं हुई थी अनकॉन्शियस डिज़ायर का मतलब यहाँ पर सिगमेंट फ्राइड ने बताया था लिपडू सेक्स या जो हमारी काम ऊर्जा होती है तो इन्होंने माना कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें बहुत मेजर रोल होता है हमारी बचपन की बाल्यकाल की अनुभूतियाँ या अनुभव इसके साथ साथ में अचेतन इच्छाएँ हमारी दमित इच्छाएँ जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं सिगमेंट फ्राइड का साइको एनालिटिक अप्रोच इम्फेसिस करता है पेसिमिस्टिक के ऊपर निराशावादी दृष्टिकोण और डिटर्मिनिस्टिक निश्चयवादी दृष्टिकोण ठीक है दिस अप्रोच द पेसिमिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर और बिहेवियर मानव प्रकृति या व्यवहार की निराशावादी और निश्चयवादी छवि पर बल देता है आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी ठीक है तो इन्होंने बताया था इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अनकॉन्शियस डिजायर यह अचेतन मन में दमित इच्छाएं, सेक्स और लिबिडो और हमारा एग्रेसिवनेस के लिए इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिया है इसके साथ साथ में जो मेजर रोल फ्रेम करते हैं कौन अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये आरंभिक बाल्यावस्था के मानसिक संघर्ष और हमारी दमित इच्छाएं आगे बढ़ते हैं सिगमेंट फ्राइड ने अपनी थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है या सिगमेंट फ्राइड की जो थ्योरी है इसकी हम अगर एक्सप्लेनेशन करें तो थ्री पार्ट में हम इस थ्योरी को समझते हैं इन्होंने अपनी थ्योरी को थ्री टाइप से डिवाइड किया है तो इन्होंने अपने कुछ बेसिक एजम्पन्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन नेचर मानव प्रकृति या मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है इसमें इरेशनल थॉट अनचेंजेबल बिहेवियर और हमारे ह्यूमन नेचर की इन्होंने बात की है तो हम बात करते हैं तीन पार्ट कौन कौन से पहला है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व की संरचना ह्यूमन पर्सनालिटी कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनती है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रक करते हैं ये हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे ठीक है जो कि दो यहाँ पर है हमारे व्यक्तित्व की संरचना में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अगला रहेगा हमारा डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की गति की जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें बात की गई है डिटेल में बेसिक इंस्टिंक्ट की जो सेगमेंट फ्रायड के द्वारा दी गई है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोज बोलते हैं या लाइफ इंस्टिंक्ट और एक हमारी मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको थानटोस या जिसको डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी का जो हमारा व्यक्तित्व की गति का सिद्धांत है पार्ट है या डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी है इसमें लिबिडो लाइफ इस्ट और हमारी डेथ इंस्टिंग थानटोस इरोज को डिटेल में बताया है और एनजाइटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है इसके बाद में हमारा थर्ड है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के विकास की कौन कौन सी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलप होता है तो यहाँ पर हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर ओरल स्टेज एनल स्टेज फैलिक स्टेज लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज और जो हमारा वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केवल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जिसमें दो मॉडल रहेंगे आपके अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी जहाँ पर हम लाइफ इंस्टिंक्ट और हमारा जो रहता है डेथ इंस्टिंग इनकी हम बात करेंगे क्यों क्योंकि सिगमेंट फ्राइड ने माना है कि जो इंस्टिंग होती है हमारी सिगमेंट फ्राइड बाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन इंस्टिंग फ्राइड पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को बहुत ज़्यादा मेन माना है ह्यूमन बिहेवियर के लिए या मानव के जो व्यक्तित्व है उसके लिए इन्होंने टू टाइप्स की कैटेगरीज दी थी इरोस जिसको बोलते जीवन मूल प्रवृत्ति ठीक है और इन्होंने सेकंड कैटेगरी दिया था थान्टस जिसमें था डेथ इंस्टिंग और इन्होंने माना था यहाँ पर जो जीवन मूल प्रवृत्ति है ठीक है जो हमारे जीवन मूल प्रवृत्ति है वो लिबिडो की थ्रू गवर्न होती है जो काम ऊर्जा है सेक्स है वो वहां पर अपना मेजर रोल प्ले करता है तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि एंड थान्टोस एज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इन्होंने माना है कि जीवन मूल प्रवृत्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो यहाँ पर सिगमेंट फ्राइड ने आगे चलकर क्या किया जो इरोज है जीवन मूल प्रवृत्ति है ठीक है उससे इन्होंने लिपडो को कॉन्सेप्ट अलग किया और उसको और ज्यादा पूरा सेंटर इन्होंने पर्सनालिटी का लिबडो को गवर्न कर दिया लिप्डो को बताया जिसका इनके जो एसोसिएट है जुंग और एडलर वो इसी वजह से इनकी थ्योरी को डिनाय कर दिए एक्सेप्ट नहीं किया ठीक है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी देखो जो सिगमेंट फ्राइड की थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी ये थ्री पार्ट में डिवाइड है पहला आपका है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी ठीक है पहला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जिसमें हम दो मॉडल की बात करेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल इसको हम हिंदी में बोलते हैं आकारात्मक मॉडल दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर डायनामिक और साइकिक स्ट्रक्चरल मॉडल ठीक है जिसको हम बोलेंगे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल पहला हमारा टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या आकारात्मक मॉडल सेकंड आपका डायनामिक मॉडल या स्ट्रक्चरल मॉडल या साइकिक स्ट्रक्चरल मॉडल ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल ठीक है नेक्स्ट हमारा है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, यहाँ पर बात होगी जीवन मूल प्रवृत्ति की या इंस्टिंक्ट की जहाँ पर इरोज की बात होगी जहाँ पे थान्टोस की बात होगी और जहाँ पर बात होगी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की थर्ड हमारा रहेगा फिर से यहाँ पर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नीचे के दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और डेप्थ में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल की ठीक है जिसको हम बोलते हैं आकारात्मक जो हमारा मॉडल है या आकारात्मक मॉडल ठीक है देखो जब हम बात करते हैं सिगमेंट फ्राइड के टोपोग्राफिकल मॉडल की या आकारात्मक मॉडल तो इनकी जो थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दो मेजर पोर्शन में डिवाइड रहेगी टोपोग्राफिकल मॉडल ठीक है और हमारा रहेगा स्ट्रक्चरल मॉडल दोनों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल की तो यहाँ पर सिगमेंट फ्राइड ने माना है कि जो ह्यूमन माइंड है मानव का जो मन है वो थ्री कैटेगरी में थ्री लेवल्स में डिवाइड है यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन माइंड को आइस के साथ में कंपेयर किया है या बर्फ़ के टुकड़े के समान देखो जब हम बर्फ के टुकड़े की बात करते हैं आइस की बात करते हैं तो क्या होता है मैक्सिमम पार्ट जो आपका आइस का होता है वो डूबा रहता है पानी में और बहुत कम पार्ट होता है जो हमारा ऊपर रहता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं इसमें क्या है बहुत माइनर सा पार्ट है आपका जो ऊपर उठा हुआ है बाकी मैक्सिमम पार्ट आपका वाटर में डूबा हुआ है तो इन्होंने मानव मन की तुलना की है किसके साथ में आइसबर्ग के साथ में या बर्फ के टुकड़े के साथ में फ्राइड प्रेजेंट माइंड इज फंक्शन ऑफ बॉडी इट इज टोटल ऑफ द वेरियस मेंटल प्रोसेस और एक्टिविटीज एज कॉन्शियस सब एंड अनकॉन्सियस तो यहाँ पर सिगमेंट फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को थ्री लेवल में डिवाइड किया है कॉन्सियस जिसको हम बोलते चेतन मन दूसरा सब जिसको बोलते हैं अर्धचेतन थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड ठीक है अब सिगमेंट फ्रायड ने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया है सबसे ज़्यादा मेजर रोल माना है यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर आप देख रहे होंगे लार्ज पोर्शन कवर होता है हमारा अनकॉन्सियस माइंड में बहुत माइनर सा हमारा होता है सब कॉन्शियस में और उससे टेन परसेंट हमारा होता है कॉन्शियस माइंड में तो सिगमेंट फ्रायड ने माना है कि जो हमारा पर्सनालिटी गवर्न होता है हमारे पर्सनालिटी के लिए जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं अचेतन मन ठीक है अब यहाँ पर जो हमारे तीन माइंड हैं इनकी हम बात कर लेते हैं कॉन्शियस देखो कॉन्शियस का सीधा सा मतलब जो आपकी चेतना में है जो आपके माइंड में करंट टाइम में है ठीक है करंट टाइम का मतलब हमारे करंट एक्सपीरियंसिस और हमारे सेंसेशन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परसेप्शन की या थाट की जो हमारे माइंड में करंट टाइम में होते हैं यह हमारे इमीडिएट अवेयरनेस ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्शियस माइंड मन के वैसे भाग को माना जाता है यह माइंड का वो पार्ट होता है जो सभी प्रकार के सेंसेशन एक्सपीरियंसेस ठीक है यह हमारा इमीडिएट अवेयरनेस ये करंट टाइम में क्या चल रहा है मैं, जो thought है, हमारे थॉट हैं हमारी परसेप्शन है उनकी बात की जाती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस समय आप वीडियो देख रहे हैं और हमको सुन रहे हैं तो वहां पर क्या इस टाइम में आपका जो कॉन्शियस माइंड है सुनने का काम कर रहा है वहां पर करंट टाइम में बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर क्या आते हैं यहाँ पर आती है वो एक्सपीरियंसिस जिसका संबंध हमारे चेतन अवस्था से या हमारी जागृत अवस्था से हमारा मस्तिष्क जाग रहा है और हम चीज़ों को कर रहे हैं अगला है हमारा सब कॉन्सियस ठीक है सब कॉन्शियस आपका वो माइंड होता है जो तो ना तो कॉन्सियस होता है और ना अनकॉन्सियस होता है कहने का मतलब ना तो ये आपका सोया हुआ, हुआ होता है ना ही जगा हुआ होता है ये क्या होता है बीच का पार्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जो अनकॉन्शियस माइंड हमारा हो सॉरी जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है यहाँ पर इसमें क्या होता है इसमें हमारे ऐसी इच्छाएं, ऐसे विचार ऐसे भाव या हमारे डिज़ायर हमारे थाट हमारे फीलिंग्स जो हमारे करंट में नहीं होते हैं कॉन्शियस माइंड में नहीं होते हैं लेकिन हम रिकॉल करने का ट्राई करते हैं उनको याद करने का प्रयास करते हैं और हमारे चेतन मन में आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कभी कभी होता है कि आप अलमारी में कोई बुक रखते हैं अलमीरा में अपनी और उस बुक को भूल जाते हैं फिर बार बार आप सोचते हैं कि ये बुक कहाँ गई हमने तो अलमारी में रखी और हम इसको नहीं प्राप्त कर पा रहे एट रेंडम आपको याद आता है कि आपने अपने किसी मित्र को वो बुक दी थी या मॉर्निंग टाइम में डेली मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है कि आप मॉर्निंग में हेयर कॉम करने के लिए बालों की कंघी निकाल के रखते हैं और कभी कभी वो कंगे मिस हो जाती हैं और आप पूरा कमरा अपना छान मारते हैं और वो आपको नहीं मिलती लेकिन अचानक से आपके माइंड में आता है कि आपने उसको मिरर के पीछे रखा था तो ये क्या है सब कॉन्शियस सब कॉन्शियस का मतलब एक्सेसिबल मेमोरी वो मेमोरी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम मेमोरी को मान लें या हमारा स्टोर्ड नॉलेज कहने का मतलब वो नॉलेज जिसको हम रिकॉल कर पाए जिसको हम एक्सेस कर पाए अपने अकॉर्डिंग ठीक है तो इसको हम अवेलेबल मेमोरी भी बोलते हैं एक्सेसिबल मेमोरी भी बोलते हैं नॉलेज भी बोलते हैं मेमोरी और स्टोर्ड नॉलेज भी कहते हैं अर्ध चेतन या हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है इसको हम प्री कॉन्सियसनेस या फॉर कॉन्शियस भी बोलते हैं यहाँ पर कुल मिला के होता है अगर आप कुछ चीज़ याद करना चाहते हो तो याद कर लेती हैं थोड़ा ट्रायल करने के बाद में अब बात होती है यहाँ पर अचेतन मन की जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्सियस माइंड जो कि मेजर पोर्शन है ह्यूमन माइंड का पूरी पर्सनालिटी को हमारे डिसाइड करता है हमारा पर्सनालिटी इसी में सेंटर्ड होता है तो यहाँ पर जब अचेतन मन की बात होती है अनकॉन्शियस माइंड की बात होती हमारी चेतना से परे कहने का मतलब बहुत दूर जो हमारे माइंड के एक ऐसे पार्ट में चला गया है जिसको रिकॉल करना बहुत टिपिकल है और बहुत टाइम के बाद रिकॉल होता है यहाँ पर क्या क्या होते हैं हमारे फियर हमारे डर या भय अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर हमारी जो अनियंत्रित सेक्स की इच्छाएं होती हैं वो आ जाती हैं इमोर्टल अर्जिश आ जाती हैं हमारे वो अनैतिक कार्य और हमारे सिंपल बिहेवियर या हमारे जो एक, सिंपल एक्सपीरियंसेस होते हैं ठीक है या हमारी नीड्स यहाँ पे आ जाती हैं यहाँ पर हमारा एंटी सोशल वैल्यूज आ जाती हैं हमारे हेटफुल बरक आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने माना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ठीक है अनकॉन्शियस जो माइंड होता है यहाँ पर जो हमारे रिप्रेस्ड जो हमारी डिज़ायर होती हैं वो डिज़ायर जो फुलफिल नहीं हो सकती है, हमको मालूम है उनको हम रिप्रेस कर देते हैं अपने माइंड में कि इन डिज़ायर्स को हम पूरा या फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ हमारे माइंड में वो दमित इच्छाएँ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी कभी स्वप्न देखते हैं और आपके सामने ड्रीम में कुछ चीज़ें आती हैं जिनका कनेक्शन आपके साथ में नहीं है लेकिन वो क्या होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होता है क्यों क्योंकि वहाँ जाकर वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं क्या होता है बस थोड़े टाइम के लिए वो निष्क्रिय हो जाती हैं पैसे मोड में हो जाती हैं और वो कॉन्शियस माइंड में आने का पूरा प्रयास भी करती हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिगमेंट फ्राइड जो हमारे अनकॉन्सियस डिज़ायर हैं एक्सपीरियंसिस हैं थाट हैं हमारे बिहेवियर को बिहेवियर का मतलब हम यहाँ पर हमारे कॉन्सियस माइंड को सब कॉन्सियस माइंड दोनों को प्रभावित करते हैं ठीक है आगे बात करते हैं साइकिक स्ट्रक्चरल मॉडल मॉडल की या डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी ठीक है अब यहाँ पर साइकिक मॉडल की जब बात हो रही है ठीक है जो साइकी एनर्जी है हमारी यहाँ पर साइकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया गया है सिगमेंट फ्राइड के द्वारा और इन्होंने माना है ये आता है लिप्डू के द्वारा लिपडो का मतलब फिर से सेक्सुअल डिज़ायर या हमारी काम इच्छा या हमारा सेक्स ठीक है तो साइकिक एनर्जी को इन्होंने माना है ह्यूमन पर्सनालिटी का मेजर गवर्निंग पॉइंट या ह्यूमन पर्सनालिटी का सेंटर जो कंट्रोल होता है लिबडो के द्वारा लिबडो है यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं काम ऊर्जा या सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल एनर्जी ठीक है तो सिगमेंट फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारा लिबडो है वो कहाँ से आता है वो आता है साइको साइकिक एनर्जी के थ्रू ठीक है तो हमारे यहाँ पे हो जाता है साइकिक एनर्जी कम्स फ्रॉम साइक जो हमारी मनो ऊर्जा है वो लिप्डो के थ्रू आती है और लिप्डो यहाँ पे डिनोट करता है सेक्सुअल एनर्जी को काम को, इच्छाओं को भी नहीं रिवाइज थ्योरी जब उन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया ठीक है तो यहाँ पर क्या था इन्होंने टू ग्रुप दिए थे किस चीज के बेसिक इंस्टिंक्ट के मूल प्रवृत्तियों के पहला आपका इोस जिसको हम बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति दूसरा थानटोस जिसको बोला था मृत्यु मूल प्रवृत्ति तो इन्होंने अब उन मूल प्रवृत्तियों से इरोस और थानटोस से इरोज से लिबडो को अलग किया ठीक है लिबिडो का मतलब काम ऊर्जा डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ ऑल लाइफ इस्टिंक्ट और इन्होंने माना जो लिबिडो है यहाँ पर जो सेक्सुअल डिजायर है वो हमारी पर्सनालिटी का मेन पॉइंट है उसके थ्रू ही पूरा जो हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट है वो कवर होता है ठीक है द सेक्सुअल लिबडो वाज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी और इन्होंने सेक्सुअल लिबडो को माना है पर्सनालिटी का मेन फैक्टर जो हमारी पर्सनालिटी को क्या करता है निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है और इसका जो हमारा जीवन मूल परिवर्तित इरूस थानटूस एनजाइटी फ्रस्ट्रेशन इसको हम सेकेंड पार्ट में डिवाइड एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इड ईगो और सुपर ईगो का आपने नाम भी बहुत सुने होंगे इड ईगो और सुपर ईगो इधम अहम और परा ठीक है इड ईगो सुपर ईगो यहाँ, यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है ठीक है फ्राइड के अनुसार जो हमारे मन का या हमारे मस्तिष्क का डायनामिक पोर्शन है ठीक है डायनामिक पोर्स का मतलब जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी डेली लाइफ में हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनका वर्किंग प्लेस क्या होता है उनका वर्किंग प्लेस होता है ह्यूमन माइंड क्यों किसी भी टाइप की अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाती है वो जाती है आपके माइंड में और जितनी भी कन्फ्यूजन है जितनी भी डिस्ट्रैक्टर है वो माइंड में ही सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे बेसिक स्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियों से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उनके तीन एजेंट हैं जो हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करते हैं ये हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या जो हमारे इंस्टिंग के थ्रू मानसिक संघर्ष होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है वो तीन एजेंट हैं आपके इड ईगो सुपर ईगो इदम अहम तो यहाँ पे हम करते हैं डिस्कस ह्यूमन पर्सनालिटी इनटू थ्री सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सिगमेंट फ्राइड ने ह्यूमन पर्सनालिटी को थ्री महत्वपूर्ण कंपोनेंट में डिवाइड किया है इड ईगो सुपर ईगो इड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल यहाँ पर जो ईड है हमारा यहाँ पर बात होती है ये रहता है हमारे आनंद के सिद्धांत पर अब देखो जब हम बात करते हैं आनंद के सिद्धांत की ठीक है तो वो एक्सपीरियंसेस आपको चाहे पेनफुल कंडीशन में मिले या प्लीजेंट कंडीशन में मतलब यहाँ हमको प्लेजर की गारंटी है अब यहाँ पर अगर हम कुछ अनैतिक करते हैं क्या सही क्या गलत कुछ भी नहीं सोचते हैं और अपना कृत्य कर देते हैं ठीक है जिसमें आपको आनंद मिलता है लेकिन जब बात होती है ईगो की ईगो देन मस्ट इमर्ज इन ऑर्डर टू रियलिस्टिकली मीट द बिसेस जब ईगो आता है तो ईगो वहाँ पर जो अहम है हमारा रियलिटी को चेक करता है जज करता है किस तरह से जो हमारा इड का पोर्शन है जो हमारी अनैतिक इच्छाएं थी कैसे उनको राइट बे में गेन किया जाए उसकी यहाँ पर बात होती है तो ई प्रिंसिपल की बात होती है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी वास्तविकता के आधार पर थर्ड आपका होता है सुपर ईगो जिसको हम बोलते कंसाइंस आत्मा की आवाज़ यहाँ पर क्या होता है मोरल जजमेंट की बात होती है यहाँ पर हम किसी भी टाइप्स की जो हमारे अन एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर होते हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं और हम सीधे सीधे जो सोसाइटी के लिए अप्रूव्ड हो उसकी बात की जाती है चलिए हम बढ़ते हैं आगे इड ईगो सुपर ईगो जब इड की बात होती है तो इड यहाँ पर क्या है इड को यहाँ पर इन्होंने माना है इनबॉर्न एबिलिटी इनबॉर्न का मतलब इड एक वो डिजायर होती है जो बालक में जन्म के साथ अवेलेबल होती है या वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो बिहेवियर जो बेसिक इंस्टिंग के थ्रू गवर्न होता है या कंट्रोल होता है यहाँ पर कौन कौन सी होती है यहाँ पर आपका असंगठित व्यवहार या अनस्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या बिहेवियर यहाँ पर हमारी एग्रे, एग्रेसिवनेस एग्रग्रेसिवनेस पूर्ण ठीक है यह हमारे सामान्य नियम जो होते हैं बेसिक इंस्टिंग की फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को भूख लगती है तो वो वहाँ पे रोने लगता है क्यों क्योंकि उसको उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको आगे उसके ड्राइव को बढ़ाती है जिससे कि उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो पाए तो इट जो हमारा होता है यहाँ पर हम प्लेजर की प्रिंसिपल की बात करते हैं और मुख्य उद्देश्य होता है आनंद को प्रदान करने वाली अनुभूति या हमारी वो चीज़ें जो हमको सेटिस्फैक्शन दें जो हमको आनंद प्रदान करें इसमें हम क्या सही गलत राइट रॉन्ग के बारे में नहीं सोचते हैं रेशनल थिंकिंग भी नहीं होती है टाइम प्लेस का से भी हमको कोई मतलब नहीं होता है हमको जो जो, जो चाहिए वो चीज़ चाहिए नैतिक हो चाहे अनैतिक हो और इसका पूरा कंट्रोल होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ठीक है जो हमारा टोपोग्राफिकल मॉडल था वहां पे 90 परसेंट का जो हमारा माइंड था वो कवर था अनकॉन्सियस माइंड से तो ये जो पर्सनालिटी का फैक्टर है ये होता है हमारा अचेतन मन से ठीक है तो यहाँ पर क्या है इज़ इज़ इनबॉर्न इट द मेन फंक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ साइकिक एनर्जी एक आपका मेन फंक्शन होता है जो मनो ऊर्जा को डिस्चार्ज करता है मनो ऊर्जा का मतलब यहाँ पर लिबडो से है ठीक है मनो ऊर्जा को डिसाइड करता है और इसके बाद क्या होता है बिच

यहाँ पर जो इड होता है उसमें मनुष्य के अंदर पशु वाली प्रवृत्ति आ जाती है सही गलत प्लेस कहाँ पे क्या करना है किसी के बारे में नहीं सोचता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यहाँ पर अभी एक हम लास्ट में जब हमारा इड ईगो सुपर ईगो हो जाएगा तीनों लास्ट में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा जहाँ पर आपको क्लियरली हो जाएगा इड क्या है ईगो क्या, 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 क्या है और सुपर ईगो क्या है इड वो चीजें हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होती हैं और जो आपके अनैतिक कार्य होते हैं तो यहाँ पर क्या था एनिमल लेवल पर रहता है मतलब तो पशु वाली प्रवृत्ति को सोचना समझना है नहीं इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड इसमें क्या सही क्या गलत इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते नहीं हैं ऑपरेट ऑन प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल और हमारे जो प्लेजर का प्रिंसिपल है उसके ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखा भी देखिए इट इज़ ड्राइवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर इट हमारा आनंद के सिद्धांत पर आधारित है विथ स्ट्राइप फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिज़ायर किसी भी प्रकार की जो हमारी डिज़ायर है इमीडिएट फुलफिलमेंट हो उनका हमारी किसी भी टाइप की नीड्स हो इफ दीस नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड यदि ये इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं हमारी ठीक है रिजल्ट इज ए स्टेट एनजाइटी और टेंशन यहाँ पर हो जाती है आपको चिंता आपको हो जाता है तनाव और आपका बिहेवियर हो जाता है फुली चेंज ठीक है और यहाँ पर जो हमारा एड होता है यहाँ पर भी दो एक्टिविटी होती है एक आपके होती है रिफ्लेक्स जिनको हम बोलते हैं सहज अनुक्रियाएं है, और दूसरी होती है हमारी प्राइमरी प्रोसेस सहज हमारी अनुक्रियाएं होती हैं जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है अपने पर्सनल हमको कोई तनाव होता है तो क्या होता है एक खांसना छींकना आँख को मलना या ठीक है ब्लिंकिंग है आपका स्नीजिंग है कफिंग है तो ये हमारी हो जाती है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ और हमारे जो होते हैं प्राइमरी स्टिमुलस जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं उनकी जो नीड होती है वो हमारे हो जाते हैं हाँ पर प्राथमिक कारक और यहाँ पर जो आपको टेंशन होती है उसको दूर करने के लिए ठीक है जो हम कार्य करते हैं मानसिक तनाव को दूर करने के जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो आते हैं आपके इड वाले कॉन्सेप्ट में अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईगो की जिसको हम बोलते हैं क्या अहम ठीक है जब ईगो की बात करते हैं तो यहाँ पर होता था इट नोस ओनली द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द माइंड यहाँ पर जो ईगो होता है हमारे पर रियलिटी की बात करता है क्या वास्तविकता है किस तरह से हम किसी चीज़ को करते हैं या जो हमारी इड वाली डिजायर थी जो हमारी अनैतिक इच्छाएं थी उनको प्रॉपर वे में सोसाइटी के अप्रूवल के साथ में किस तरह से किया जाए कि वहाँ पर वो सोसाइटी को एक्सेप्ट हो ठीक है तो यहाँ पर इड की जब बात होती है ठीक ईगो की जब बात होती है तो क्या है Ego हमारा है सब्जेक्ट रियलिटी ऑफ माइंड ठीक है रियलिटी की बात होती है इसका प्रिंसिपल भी है आपका प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी वास्तविकता की बात यहाँ पर होती है ठीक है तो यहाँ पर बात होती है जब ईगो की, की, की ठीक है तो इड का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर हम मान सकते हैं एनिमल इन मैन ठीक है अब जब हम बात करते हैं ईगो की तो ईगो इज द एक्सिक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी जो ईगो हमारा होता है हमारी पर्सनालिटी का वो पोर्शन होता है जो हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है सोसाइटी में या हमारे ह्यूमन बिहेवियर को ठीक है और हमारे एक्सिक्यूटिव पर्सनालिटी यह हमारा कार्यकारी होता है जो सोसाइटी में रिवील होता है ठीक है इट ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल एंड ऑपरेट बाई मीन्स ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस और हमारा जो वास्तविकता होती क्या रियलिटी होती है उसकी बात वहाँ पर की जाती है ठीक है तो यहाँ पर आप जो इड के संदर्भ में जाएंगे तो वहां पे क्या था द प्लेजर प्रिंसिपल इज ओनली कंसर्न विद द वेदर एंड एक्सपीरियंसिस इज पेनफुल और पीज ठीक है तो हमारा जो इड होता था वहाँ पर क्या होता तो हमको जो एक्सपीरियंसिस मिलने हैं वो चाहे पेनफुल हो चाहे हमारी सुखद हो उनको हमको गेन करना है लेकिन जब बात होती है ईगो की यहाँ पर तो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी कंसर्न विद वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स लेकिन जब हम ईगो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सही और गलत के बारे में सोचते हैं ईगो फार्मोलेटी प्लान फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड एक्सिक्यूट इट यहाँ पर जो ईगो होता है वो प्लान को फॉर्मेट करता है फॉर्म करता है किस तरह से हम इड वाली जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम सेटिसफेक्ट उनको हम गेन कर पाएँ उनको हम सेटिस्फाई कर पाएँ और वो सोसाइटी के लिए भी अप्रूवल अप्रूवल हो उनका जैसे एक इज़ द दोल्ड टिस्फाई द डिमांड ऑफ इड इन एक्सेप्टेबल वे ठीक है यहाँ पर जो इड है हमारा और ईगो का यहाँ पर हम एक और चीज सोच समझ लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हॉर्स राइड हॉर्स और राइडर का हॉर्स और राइडर घोड़ा और घोड़सवार यहाँ पर जो हॉर्स है हमारा वो इड हो जाएगा और जो राइडर है हमारा वो ईगो हो जाएगा बाई द राइडर यूजली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हॉर्स यहाँ पर जो राइडर होता है ईगो ठीक है ईगो यहाँ पर हॉर्स की दिशा को नियंत्रित करता है या हमारे इड की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ में क्या होता है कभी कभी आप देखते हैं जो हमारा हॉर्स होता है वो किसको लीड करता है वो जो राइडर होता है उसको लीड करता है तो ये दोनों आपके क्या हैं यहाँ पर जो हमारा इड है वो हमारा ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होती हैं या वो हमारे इमोरल वर्क होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए और जो हमारा ईगो होता है वो उनको किस तरह से राइट वे में करना है उसकी बात करते हैं तो हमारा जो ईगो होता है वो बचपन से ही आपका डेवलप होना स्टार्ट होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम ईगो मैकेनिज्म का यूज़ भी करते हैं किस तरह से हम अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे वहाँ पर ठीक है तो सीधे सीधे इसका मतलब होता है हमारे जो हमारा पर्सनालिटी का बिहेवियर होता है जो सोसाइटी में हम रिवील करते हैं इसके बाद बात होती है सुपर uh, ईगो की जिसको हम बोलते हैं परा अहम जब सुपर ईगो की बात होती है थर्ड कॉन्सेप्ट इज सुपर ईगो ठीक है ये हमारी लास्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी का है सुपर ईगो ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है थर्ड कॉन्सेप्ट इज द सुपर ईगो इट इज द एनर्जी बिच इंटरनलाइज द पेरेंटल इन्फ्लुंसिस एंड आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी थ्रू अर्ली चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसिस यहाँ पर जो हमारा सुपर ईगो है ये अर्ली चाइल्ड हुड स्टेज से डेवलप होना प्रारम्भ होता है फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा छोटे पे किसी खिलौने की डि दि डिमांड करता है बच्चा किसी खिलौने की डिमांड करता है और उसके मम्मी पापा वहाँ पर बोल देते हैं किसी और का खिलौना है इसको तुमको टच नहीं करना है जब उसको पता है कि टच नहीं करना है और टच अगर करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा अब बच्चे को मालूम है कि वहाँ पे अगर हम उस जो हमारे डिज़ायर है अगर हम उसको फुलफिल करेंगे भी तो हमको डांट पड़ेगी या हमारी पिटाई होगी इस तरह से हमारा अर्ली चाइल्डहुड से ही सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारा परा अहम है वो हमारा क्या होता है डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है ठीक है तो जो हमारा ईगो से ऊपर का कॉन्सेप्ट है सुपर ईगो ठीक है यहाँ पर क्या होता है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है आइडेंटिफिकेशन करता है मम्मी पा पापा के साथ में चीज़ों को समझने लगता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ठीक है और ये हमारी मोरल और एथिकल ब्रांच होती है देखो इड प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल का प्लेजर की बात होती है ईगो रियलिटी के प्लेजर की बात होती है सुपर ईगो मोरल और एथिकल ब्रांच है हमारी जो व्यक्ति को यह बताता है क्या कार्य नैतिक है कौन सा कार्य अनैतिक है ठीक है यह आर्डलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात की की जाती है यहाँ पर जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को समझाया जाता है उसकी बात यहाँ पर होती है सुपर ईगो आपका इड की जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर हैं जो हमारे एग्रेसिव बिहेवियर हैं या हमारे इमो इमोरल हमारे जो टेंडेंसी हैं उनको रोकता है और दूसरी ओर जो हमारा ईगो होता है वो रियलिटी जो हमारे रियल गोल हैं, उनसे हटकर मोरल गोल की ओर लेकर जाता है जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी फुली डेवलप होती है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा सुपर ईगो वाला है यहाँ पर क्या है सुपर ईगो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर मेकिंग जजमेंट सुपर ईगो हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन भी देता है प्रोवाइड करता है क्या सही है क्या गलत है किस तरह से हम डिसीजन को फ्रेम करें वहां पर या इट रिप्रेजेंट द आइडियल रेदर देन द रियल एंड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इट वर्कस इन मोरल स्टैंडर्ड ऑथोराइज बाई द एजेंट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के द्वारा किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा कौन कौन से सोसाइटी के बे हैं. है देर आर टू पार्ट ऑफ सुपर ईगो यहाँ पर सुपर ईगो में दो पार्ट इन्वॉल्व हैं आपका पहला ईगो आइडियल इंक्लूड रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर यहाँ पर बताए जाते हैं कौन से रूल्स रेगुलेशन है अच्छे व्यवहार दिस बिहेवियर इंक्लूड दो एंड अदर अथॉरिटी फिगर जो कि परिवार के द्वारा स्वीकृत होते हैं समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं या जहाँ पर हम रहते हैं ओबोइ ओबेइंग दीज रूल्स लीड्स टू फीलिंग ऑफ प्राइड वैल्यू एंड अकम्पलिसमेंट या हमारे अचीवमेंट जो हैं तो यहाँ पर इन को प्राप्त करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमको गर्व महसूस होता है वहाँ पर हमको मूल्यों की प्राप्ति होती है और हमको उपलब्धि मिलती है दूसरा इन्वॉल्व है कंसाइंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर व्यूड यूड एज बैड बाय पेरेंट्स यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे माता पिता से बताया जाता है हमको कौन सी चीज़ें गलत हैं कौन सी चीज़ें सही हैं दिस बिहेवियर आर ऑफ इन फॉरबिडेंट इस टाइप का जो बिहेवियर हमारा होता है ठीक है लीड्स टू बैड कॉन्सिक्वेंस पनिशमेंट और फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स तो इस तरह के बिहेवियर को जब आप करते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पर पनिशमेंट का भी प्रावधान है हमको अपराधी की प्रवृत्ति की फील होगी फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि मर्डर करना गैर कानूनी है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ पर जेल या फांसी की सज़ा हो सकती है ठीक है अब आपको वहाँ पर मालूम है कि आगे क्या परिणाम होंगे क्या रिजल्ट होंगे अब आप करेंगे तो वो आपका वाला पोर्शन होगा अगर आप वहाँ पे कंट्रोल करते हैं तो वो ईगो का पोर्सन होता है उसके बारे में अगर हम सोचते ही नहीं है तो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे ठीक है इसके बाद में एक तो सुपर ईगो एक्ट ए टू परफेक्ट एंड सिविलाइज आवर बिहेवियर सुपर ईगो एक इस तरह के बिहेवियर को प्रदर्शित करता है जो हमारा सभ्य होता है और सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड होता है इट वर्क टू सप्रेस ऑल अनएक्सेप्टेबल अर्जिस यहाँ पर जितने भी हमारी अनैतिक इच्छाएं होती उनका दमन कर दिया जाता है ठीक है और जो इड के थ्रू जो स्ट्रगल स्ट्रगल होता है हमको जो इड के थ्रू या इदम के थ्रू हमको तनाव या टेंशन मिलती है उसको भी दूर करने का काम यहाँ पर किया जाता है रियलिस्टिक प्रिंसिपल के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ईगो सुपर ईगो का अब हम यहाँ पर एक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ईड ईगो सुपर ईगो में क्या है चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या एक ब्यूटीफुल टॉय है आपके एक सुंदर सा खिलौना है जो कि रूम में रखा है सपोज देर इज ए ब्यूटिफुल टॉय इन द रूम द चाइल्ड सीस एंड रन टुवार इड बच्चा उसको देखता है उसकी तरफ दौड़ता है दिस इज इड लेबल ठीक है इड लेबल तो ये हमारा कौन सा स्तर यह हमारा इड का स्तर है किसी खिलौने को देखने के बाद में उसकी तरफ दौड़ने लगना मतलब उस डिज़ायर को इमीडिएट फुलफिल करना उसकी प्राप्ति करना ठीक है, द सेकेंड स्टेज है हमारे यहाँ पर पेरेंट इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड नॉट टू टच द टॉय बच्चे के मम्मी पापा वहां पे कहते कि इस खिलौने को टच नहीं करना है ठीक तो है तो ये हमारा होता है वहां पर क्या सेकेंड स्टेज द चाइल्ड सीज द टॉयज बच्चा भाग खिलौने को देखता है बट डज नॉट टच इट आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट वो वहां दंड के भय से उस खिलौने को नहीं छूता है प्रेजेंस ऑफ पेरेंट अपने माता पिता की उपस्थिति में थर्ड स्टेज हमारी हो जाती है यहाँ पर क्या थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द रूम जब खिलौना होता है और पेरेंट्स आर नॉट देयर, उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे नहीं है और बच्चा उस टॉय को नहीं छूता है तो ये हो जाता है हमारा सुपर ईगो कहने का मतलब पहले में क्या था बच्चे के अंदर नीड आई बच्चे ने खिलौने को देखा उसकी तरफ दौड़ा भागा और सोचा कि हम उसको अचीव कर ले लेकिन ये हमारा इंड था जो प्लेजर की प्रिंसिपल की बात कर रहा था उसके तुरंत बाद उसके मम्मी पापा ने उसको वहाँ पर रोका कि इस खिलौने को नहीं छूना है ठीक है तो बच्चा वहाँ पर खिलौने को क्यों नहीं छूता है पनिशमेंट की वजह से उसके बाद में इस ऊपर हमारा ईगो हो जाता है अगले बार में अब बच्चे के पास कॉन्सेप्ट डेवलप है हम किसी और का खिलौना टॉय नहीं छुएंगे मम्मी पापा नहीं होंगे तब भी तो ये हमारा होगा वहाँ पर सुपर ईगो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारा एक एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल है एक चौराहे पे चार लड़के खड़े हैं और वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती हैं तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो उनके ऊपर कमेंट पास करते हैं और फिर वहाँ पे क्या होता है जो लड़के कमेंट पास करते हैं वो लेवल होता है वहाँ पर इड का क्यों क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर कमेंट कर कर उनको ईगो उनका जो ईड है उसको आनंद की प्राप्ति होती है तभी वहाँ पर क्या होता है एक लड़का होता है वो उनको वहाँ पर बताता है क्या कि इस तरह का बिहेवियर सोसाइटी में अप्रूव्ड नहीं होता है और तुम्हारे घर पर भी माँ बहने होंगी तो वहाँ पर क्या होता है वो रियलिटी की बात बताता है क्यों क्योंकि जो लड़की चौराहे से गुजर रही है तुम्हारे घर पर भी बहन और बेटियाँ होंगी तो ये हो जाता है ईगो जब बात होती है थर्ड सुपर ईगो की तो जब उसको मालूम है कि सोसाइटी में रहना है इस तरह की चीजें अनअप्रूव्ड होती हैं तो इस बारे में वो वहां पर सोचेगा ही नहीं इस तरह की फीलिंग ही उसके अंदर नहीं आनी है ठीक है तो ये हमारा हो जाता है सुपर ईगो ठीक है या और कोई एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल हो जाएगा जो हमको इमीडिएट वर्क करना है बिना सोचे समझे वो इड है जहाँ पर हम रियलिटी को जानते हैं सोचते समझते हैं वो ईगो है और जहाँ पर हम किसी अन जो हमारा अनैतिक कार्य होता है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं वो हमारा सुपर ईगो होता है तो वी कैन से इट इज़ बायोलॉजिकल जो हमारा इड है वो बायोलॉजिकल है जो सीधे सीधे आनंद की प्राप्ति करना चाहता इस है ईगो इज साइकोलॉजिकल हमारा जो अहम है वो मनोवैज्ञानिक है जो टेस्ट रियलिटी जो रियलिटी को जानना चाहता है सुपर ईगो इज सोशल सेल्फ एंड सीख परफेक्शन सुपर ईगो हमारा यहाँ पर है अपने आप को जानना अपने आप को पूर्णता प्रदान करना ठीक है तो अब यहाँ पे हम एक बार और बात कर लेते हैं जो सुपर ईगो है हमारा वो धीरे धीरे डेवलप होता है ग्रेजुअल प्रोसेस है रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू जो उसके मम्मी पापा उसकी फैमिली उसके, उसके सोसाइटी उसके अर्ली चाइल्डहुड जो ट्रेनिंग होती है जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके थ्रू गवर्न होता है और जो पर्सनलिटी आपकी डेवलप होती है सुपर ईगो के थ्रू वहाँ पर किसी भी टाइप की एबल्स और बैड जो हमारे बिहेवियर हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं और हमारी पर्सनालिटी एक एथिकल मोरल पर्सनालिटी बन जाती है तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सियस अनकॉन्सियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में ईगो और सुपर ईगो के बारे में कोई कन्फ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी जहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक इंस्टिंक्ट की उसके बाद हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थैंक यू